हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय परफ्यूम कलेक्शन। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो गाइज, इंडियाज बिगेस्ट सेल अमेजॉन प्राइम डे सेल इज लाइव फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई टिल 16th ऑफ जुलाई। गेट अप टू 80% डिस्काउंट ऑन योर फेवरेट फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स। ऑल्सो गेट 25% कैशबैक ऑन योर फर्स्ट परचेज। मैंने सारे प्रोडक्ट्स की परचेसिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम Amazon, so make sure you check my description box. पहला जो product है, no guesses obviously, वो है Nivea Men Fresh Active Roll-On। अब ये कोई डीओ या परफ्यूम नहीं है, ये actually आपके underarms की जो बैक्टीरिया है उसे रिड्यूस करने में मदद करता है, उसका जो odor है odor को रिड्यूस करने में मदद करता है। सो ये एक अमेजिंग रोल ऑन है, ये 12 घंटे तक आपके underarms को फ्रेश रखता है एंड odor फ्री रखता है। सो अगर आपकी बहुत ही ज्यादा underarm odor की प्रॉब्लम है then you can definitely consider this। इसके अंदर वुमन वेरिएंट भी आता है, बट मुझे इसका जो फ्रेग्रेंस है, एक फ्रेश सा एक फ्रेग्रेंस है, सिट्रसी फ्रेश एक फ्रेग्रेंस है, वो मुझे अच्छा लगता है। सो आई ऑलवेज यूज दिस मेन वेरिएंट, बट ये आपके अंडरआर्म्स को डार्कन भी कर सकता है। मुझे एज सच कोई अंडरआर्म्स ज्यादा डार्कनिंग फेस नहीं करना पड़ा, बट स्टिल इट कैन डार्कन योर अंडरआर्म्स। इसलिए मेरे पास एक अलग सा ऑप्शन भी है जो कि बहुत ही ज्यादा एक अच्छा प्रोडक्ट है, वो है इस केमिस्ट एट प्ले का अंडरआर्म रोल ऑन। अब इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिससे आपकी अंडरआर्म डार्कनिंग बिल्कुल भी नहीं होता, अगर है भी आपके अंडरआर्म्स पर डार्कनेस तो ये इसे रिड्यूस करने में मदद करता है। और इसके अंदर कोई भी एज सच फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी रोल ऑन इस्तेमाल करते हैं, जब भी आपने शेव किया है या फिर वैक्सिंग किया है अंडरआर्म्स पे, तो उस एरिया पर इसे तुरंत इस्तेमाल ना करें, जस्ट एक दिन बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जलन भी फील हो सकती है, इरिटेशन फील हो सकती है और अंडरआर्म डार्कनिंग हो सकते हैं, बिकॉज उस टाइम वो एरिया काफी सेंसिटिव होता है। और ये और भी ज्यादा इफेक्टिव है, ये और भी देर तक आपके अंडरआर्म्स को फ्रेश रखता है, ओडरलेस रखता है। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस। थोड़ा सा प्राइसी है एज कम्पेयर टू द निविया वन, बट आई थिंक इट इज वर्थ इट। नेक्स्ट एक बॉडी मिस्ट मैं शेयर करना चाहती हूँ, ये है प्लम बॉडी लव इन बॉडी मिस्ट। ये वनीला वाइब्स वेरिएंट है, इसके अंदर और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को इसे रेकमेंड करते हुए देखा था, सो आई थॉट लेट मी गो फॉर दिस वन। मैंने इसे यहाँ तक इस्तेमाल किया है, बट मुझे ये एज सच अच्छा नहीं लगा, इट इज टू स्वीट फॉर माई टेस्ट। बहुत ही ज्यादा मीठा, एक वनीला काइंड ऑफ एक फ्रेग्रेंस है, ऐसा लगता है कि मैं कपकेक हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे ये वाली फीलिंग अच्छा नहीं लगता, शायद किसी लोगों को अच्छा लग सकता है, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, लेकिन इसका फ्रेग्रेंस इतना ज्यादा स्वीट है, मुझे कभी कभार हेडेक आने लगता है, लेकिन कभी कभार के लिए ये अच्छा है। बहुत ही माइल्ड है, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, इट इज वेरी माइल्ड, लेकिन मुझे इतना स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं, इट्स माय पर्सनल चॉइस, दैट इज वाई। लेकिन अगर आपको एकदम टिपिकल वनीला कपकेक वाला फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है, देन ये आपके लिए अच्छा लगेगा। नेक्स्ट फॉग के मेरे पास कुछ ऑप्शन है, एक ब्लैक वाला और एक ब्लू वाला। तो ये जो ब्लू फॉग का है ना बॉडी स्प्रे, फ्रेग्रेंस बॉडी स्प्रे, इसका जो नाम है वो है रॉयल। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, दीज आर यूनिसेक्स बट इट्स मोर काइंड ऑफ मेन फ्रेग्रेंस आई वुड से, और मुझे मेन फ्रेग्रेंसेस बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट इट्स टू स्ट्रॉन्ग। जब मैं ऑफिस में जाती हूँ तो जनरली मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ऑफिस का जो एटमोसफियर है उसके हिसाब से मुझे ये लगता है इट इज एप्ट, क्योंकि एकदम स्टूडियो में सब बंद रहता है, तो उस टाइम आई अप्लाई दिस। और सिर्फ आपको एक पंप ही अप्लाई करना है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज दिस इज टू लॉन्ग लास्टिंग। कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस होते हैं ना, जब अब कपड़े को वॉश भी करते हैं फिर भी वो स्टे करता है, तो ये वैसा एक फ्रेग्रेंस है। बट ये बॉडी स्प्रे है, लेकिन मैं इसे अपने कपड़े पर भी स्प्रे करती हूँ, अपने इस रिस्ट पोर्शन पे और अपने प्रेशर पल्स पॉइंट्स पे भी इसे इस्तेमाल करती हूँ, एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अपने अंडरआर्म्स पे आपको इसे नहीं इस्तेमाल करना है, अदरवाइज अंडरआर्म डार्कनिंग भी हो सकती है। अंडरआर्म्स के लिए आप इस तरीके के रोल ऑन भी अप्लाई कर सकते हैं, इनफैक्ट निविया का जो रोल ऑन है उसमें भी अंडरआर्म डार्कनिंग बहुत ही कम होता है, थोड़ा बहुत अगर होता है लेकिन बहुत ही कम। लेकिन ये अगर आप डायरेक्टली अंडरआर्म्स पर स्प्रे करते हैं देन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दैट इज फॉर योर अंडरआर्म। और ये मेन के लिए भी एक अच्छा सा बॉडी स्प्रे है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस मैनली फ्रेग्रेंसेस पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। ऑन द अदर हैंड ये फॉग का एक वेरिएंट है, वो है मार्को, ये सेम फ्रेग्रेंस बॉडी स्प्रे है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, बट आई पर्सनली लव द फ्रेग्रेंस, क्योंकि ये एकदम फ्रेश एक फ्रेग्रेंस है, लॉन्ग लास्टिंग है,
बट ये ना एकदम फ्रेश एक फ्रेग्रेंस है, तो आपको अगर फ्रेश फ्रेग्रेंसेस स्पेशली फॉर समर एंड मानसून सीजन दीज टू फ्रेग्रेंसेज विल बी परफेक्ट. तो ये भी आपको अपने पल्स पॉइंट्स पर स्प्रे करना है, आप अपने क्लोथ्स पर भी स्प्रे कर सकते हैं. दिस इज नॉट एट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग, काफी माइल्डर वर्जन है, लेकिन हाँ इसका फ्रेग्रेंस एकदम फ्रेश है. मुझे इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. इनफैक्ट जब मैं इसे स्प्रे करती हूँ ना, तो मेरे घर में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको ये फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है एंड दे डोंट लाइक दैट फ्रेग्रेंस, लेकिन ये जब मैं स्प्रे करती हूँ देन दे लव इट. सो मैं, अगर आपको माइल्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट मेरे पास दो ओजी परफ्यूम्स हैं, एक ये वाला, ये रैमसन्स का यू आर लवली परफ्यूम है, जो आई थिंक आप सभी को ये पता है इस फ्रेग्रेंस के बारे में. एंड ये जो फ्रेग्रेंस है ना, जब मैं मेरी इंगेजमेंट हुई थी तब मुझे ये लड़के वालों की तरफ से ट्रॉलीस में मिला था, एंड उसके बाद मैंने इसे अमेजोन से फिर से परचेज किया बिकॉज आई लव द फ्रेग्रेंस. एकदम एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, और आई थिंक वेडिंग्स के लिए और जब भी आप कोई गर्ली सा कोई भी फ्रेग्रेंस चाहते हैं ना अपने ऊपर, तो ये एकदम परफेक्ट है. आई लव द फ्रेग्रेंस, बहुत ही ज़्यादा फ्लोरल इसका फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल भी स्वीट नहीं है. तो अगर आपको फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस पसंद है दिस इज फॉर यू. मुझे फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू स्वीट फ्रेग्रेंसेस. मुझे फ्रेश फ्लोरल सिट्रिसी फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट मैंने अमेजोन से ये रिया बिंदास का परफ्यूम लिया है. ये मुझे नहीं कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं था बिकॉज दिस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल. मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये अच्छा वर्क करेगा, बट टू माई सरप्राइज दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस. आई मीन इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो एकदम सिट्रिसी काइंड ऑफ एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है. अगर आपने कोई भी सिंथॉल या डेनवर का कुछ भी इस्तेमाल किया है देन यू नो द फ्रेग्रेंस. बिल्कुल वैसा फ्रेग्रेंस है इसका, एकदम फ्रेश मेंथॉल मिंटी साइड फ्रेग्रेंस है. समर सीजन के लिए और मॉनसून सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है. इनफैक्ट जो भी मैं शेयर कर रही हूँ वो समर एंड मॉनसून सीजन को ध्यान रखते हुए ही मैं शेयर कर रही हूँ. मैंने इसे काफ़ी हद तक इस्तेमाल भी किया है. आई लव द फ्रेग्रेंस, और इसका फ्रेग्रेंस ना एकदम माइल्ड भी नहीं है और एकदम स्ट्रॉन्ग ओवर पावरिंग भी नहीं है, जस्ट मिडिल में है. थोड़ा सा माइल्ड है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है. सो दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए. और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने सारे प्रोडक्ट्स की ही परचेजिंग लिंक्स प्रोवाइड किया है, सो मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो. बाय.